पहाड़ सदियों की कहानियां समेटे हुए हैं। यहां हरियाली है, प्रकृति का सौंदर्य है, तो इन घाटियों में छिपे हैं कई अनकहे किस्से। पहाड़ की गोद में आते ही तमाम कहानियां उभर आती हैं। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के एक ऐसे गांव में जहां है देवी देवताओं का वास। ये गांव बसा है देवदार की घनी घाटियों के बीचों बीच। देहरादून से 90 किलोमीटर दूर बसा है एक गांव जिसका नाम है ओंतड़। ये टिहरी गढ़वाल के जौनपुर थतियुर ब्लॉक में स्थित है। पहाड़ों में मंदिरों की अपनी खास अहमियत है। यहाँ 17वीं शताब्दी में बना नाग देवता का मंदिर है, जहाँ हर साल दो बार नाग देवता की देव डोली गांव में लाई जाती है। गांव के लोग इस समय को खूत उत्सव और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लोग डोली के चारों तरफ नाच गाना करते हैं। यहाँ के गाँव वालों ने हमें बताई इस मंदिर के पीछे की कहानी। नाग पंचमी के मौके पर हम आपको बताएंगे इस नाग देवता मंदिर की क्या खास मान्यता है। नाग पंचमी पर इस मंदिर में विशेष पूजा होती है। लोग सर्प दोष से मुक्ति के लिए भी यहां आते हैं। मंदिर का इतिहास बताइए कि मंदिर कब बना था। मंदिर जो है, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पिताजी, दादाजी, परदादाजी, गांव के भी जितने भी सम्मानित लोग हैं, उन सब लोगों ने बताया कि अभी तक जो है ये 17वीं शताब्दी का है। जो भूवैज्ञानिक लोग यहाँ पर आए हैं, 17वीं शताब्दी के जो लोग थे, और उसमें जो मानव जाति के 9 गज, हमारे पहाड़ में गज बोलते हैं उसको, इतने लंबे लंबे जो मानव होते थे, उन लोगों ने इतने, आप देखिए, आप इसको थोड़ा, मैं कहूँगा कैमरे वाले भैया आप, कि इतने बड़े बड़े जो विशाल का पत्थर हैं और इसकी जो बनावट है, आप देखिए, कोई इसमें लोहे का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। केवल पत्थर, मिट्टी और जो लकड़ी है, जहाँ पे ज्वाइंट आते हैं वहाँ पे लकड़ी के ज्वाइंट करके इस मंदिर को बनाया गया है। और आप एक एक पत्थर, आज तो हम हिला भी नहीं सकते उन पत्थरों को, उस समय के जो मानस थे, उन लोगों की हिम्मत, उनकी भावनाएं, उनकी श्रद्धा, आप देखिए कि कितनी सुंदर तरीके से ये मंदिर बना है। और लगभग मुझे लगता है कि 90 के आसपास जब उत्तरकाशी में भूकंप आया था, तो गांव में भी बहुत सारे मकानों पे दरारें पड़ गई थी, बहुत सारी दिक्कतें, लोगों के घर टूट गए थे, बहुत सारे लोग व्यथित हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी हमारा देव मंदिर यथास्थित आज भी विद्यमान है। और भगवान हमारी नाग देवता की जो छत्र छाया है, पूर्वाभिमुख मंदिर है हमारा, सूर्य की ओर हम जैसे ही मुख करते हैं तो उसकी दिव्य छटाएं, दिव्य आभाएं, मैं भी जब गांव में आता हूं तो अपने इष्ट के भाव को अपने हृदय में समाये रखता हूं। अग्रभाग से जो है भगवान नाग देवता हम सब लोगों की रक्षा करते हैं, और जो पृष्ठ भाग है वहां से जो है भगवती माँ राजराजेश्वरी जो है उनका दिव्य मंदिर है, जो अपनी श्री संपदा को बिखेरी हुई है। इसी के साथ मैं आपको एक भाव बताना चाहता हूँ कि हमारे पहाड़ों की जो संस्कृति है, यहाँ नाग देवता का जो मंदिर है वो विष्णु रूप में ही अधिकांश क्या है, पूजा जाता है। केवल केदारनाथ में भगवान शिव का जो मंदिर है, शैव रूप में उनकी पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर जो है नाग की भगवान नारायण के रूप में ही पूजा का विधान है। उसके लिए मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपात्रम च धृतराष्टम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनागानि नागानां च महात्मना सायंकाले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् इति नवनाग स्तोत्रम संपूर्णम। कहते हैं इस नवनाग स्तोत्र का जो पाठ करता है, जो पारायण करता है, विष भयम, सर्प के विष का भय उसे कभी नहीं होता है। और ये हमारे यहाँ शास्त्रों में परंपराएं हैं, हमारे यहाँ आज भी आप देखिए जब लोग आते हैं, सर्प निकल जाते हैं, चूहे निकल जाते हैं, बिल्लियाँ निकल जाती है, अगर उसका कभी अचानक दंश भी हो जाए तो नवनाग स्तोत्र से। और यहाँ के जो लोग हैं वो इतने विज्ञ हैं, उनके परमात्मा के प्रति इतनी आस्थाएँ हैं कि भले उनको मंत्र साधना नहीं आती हो, लेकिन बिना मंत्र साधना के भी वो अपने भाव से उन मंत्रों का वो अनुग्रह करते हैं, और फिर उस मंत्र के द्वारा, बहुत सारी जड़ी बूटियों के द्वारा उसका इलाज
शंभा। आप मुझे इस मंदिर के बारे में बताइए कि जिसकी जो इतिहास है वो किसी पुराण में लिखा है, यहाँ पर क्या इतिहास है, क्या कुछ इसका, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसे होता है, ये जो देव भूमि है ना, ये पूरा उत्तराखंड जो है भगवान विष्णु और भगवान शिव की देव भूमि में है। ये भारत की परंपरा में और भारत के इतिहास में हमारे ऋषियों की जो परंपराएं हैं, हमारे उत्तराखंड की जो भी कथाएं हैं, ये सब ये जो हैं स्कंद पुराण में इनका बहुत सारा काफ़ी सारी जगह वर्णन आता है। छोटे छोटे हुआ करते थे अपने गांव के प्रांगण में, हमने देखा है कि हम लोग कभी बाल्यकाल में यहाँ पर रहते थे, रात के समय खेल रहे थे, खेलते खेलते हमने जो एक सर्प को देखा इस देवी का जो प्रांगण है, और हमारे सामने सामने ही वो सर्प का जो है वो जो है यहाँ पे पहले लकड़ी का हुआ करता था ना नीचे चबूतरा लकड़ी का, उसके नीचे वो सर्प वहाँ घुस गया और पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चले, वो जो है लाल रिबन बन करके जो है वहाँ पे दृश्य हो गया।